लाइब्रेरी इन पाइथन जिसकी हेल्प से आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकते हो तो यहाँ पर पाइथन और माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी तो है ही कि हम पाइथन में कोड लिख रहे हैं और आपका जो डेटा है वो माई एसक्यूल में स्टोर हो रहा है अलॉन्ग विद जो आपकी स्क्रीन है लाइक like अभी पहले वाले प्रोजेक्ट्स में आपने देखा उसमें थी थी, लाइक प्रेस तो दिस, प्रेस टू टू डू डू दिस दिस इसमें वो नहीं होगा इसमें की तो देरी इस बात की मैं आपको रन करके दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखेगा सो वेल आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा जिस so, तरह से आपके सामने आएगा वेलकम टू कॉन्टेक्ट बुक ये जो विंडो है तो आप देखोगे जो कॉन्टेक्ट ऑलरेडी है वो यहां पर आ रहे हैं अगर आपको नया कॉन्टैक्ट एड करना है तो आप एड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे दिस बॉक्स विल ओपन अप यहाँ पर आप पर्सन का नाम एंटर कर सकते हो यू कैन एंटर दंबर ऑफ दर्सन राइट एंड देन यू कैन राइट दी एड्रेस राइट ए नाइनटीन

इन केस वो पर्सन वहां है ही नहीं जैसे कि मैंने अगर राहुल एंटर किया सर्च किया तो वो कह देगा नो कॉन्टेक्ट फाउंड अब मेरे पास एक और कौन सा था अभिषेक सो इफ आई एंटर दिस सो इट शोज मी द डिटेल्स ऑफ दैट तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स में कभी उसका एड्रेस चेंज हो गया या उसका फोन नंबर चेंज हो गया यू वॉन्ट टू मॉडिफाई दैट तो आप मॉडिफाई कॉन्टेक्ट पे जा सकते हो और यहाँ पर ऑप्शन है कि आपको क्या करना है मॉडिफाई नंबर करना है या मॉडिफाई एड्रेस करना है

और ये सब कोडेड है कोडिंग वही रहती है कोडिंग में कोई चेंज नहीं है वही देखो आप यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं हम हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया है जिसका नाम है फोन सो मोबाइल नाम का डेटाबेस है आपका फोन नाम का आपका टेबल है उसके अंदर जिसके अंदर वी हैव हाँ नेम फोन नंबर एंड एड्रेस ठीक है उसके बाद ये कोड है जिससे विंडो क्रिएट हो रही है और हम इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स कर कर रहे हैं बाकी आपका मेन जो कोड है वो डेटा वाला सेम रहता है वैसे 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 ही वैसे ही ही कर्सर बनेंगे क्वेरी बनेगी एग्जीक्यूट होगी बस आपको डिजाइनिंग में ये लेबल्स और टेक्स्ट फील यूज करने हैं और जिसके ऊपर क्लिक करने पे काम होता है उसे हम बटन कहते हैं सो so, एंटर की वीडियोज भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे यू कैन गो थ्रू दैट अदरवाइज आप इसको भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा सो यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम द गेट ऑफ रिपोजिटरी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ वहां से आप प्रोजेक्ट डाउनलोडलोड करके अपने उसमें रन कर सकते हो जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट डाउनलोड करोगे से तो एक चीज आपको जो मेन चेंज करनी पड़ेगी वो आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा ठीक है तो होस्ट तो नॉर्मली लोकल होस्ट ही होता है यूजर भी रूट ही होता है लेकिन पासवर्ड आपका अलग हो सकता है सो यू हैव टू चेंज दैट बाकी आप सिंपली कोड को डाउनलोड करके एग्जीक्यूट कर सकते हो और अपनी फाइल में इसके आउटपुट स्क्रीन के साथ लगा सकते हो तो जो फाइल आपकी बनेगी उस फाइल के अंदर आपको